अगर आप बैंक से करवाते हो, एजेंट से करवाते हो, एडवाइजर से करवाते हो, कभी पूछना कि सर मेरा एक्सपेंस रेशियो कितना है, 100% उनका सर नीचे हो जाएगा, बोलेगा नहीं यार एक्सपेंस रेशियो यहाँ ज्यादा है। तो एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम से कम होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है। रिसेंट एक आर्टिकल में कहा गया है कि SBI, HDFC और ICICI प्रूडेंशियल बैंक है ना, ये देश के सबसे सिक्योर बैंक माने गए। सो हम सबको पता है कि हमारे देश के आधार बैंक होते हैं, और अगर बैंक में आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो ना, तो समझ लो कि आपकी लाइफ काफी सिक्योर रहती है। अगर आप FD की बात करो तो FD में भी जिनको रिस्क नहीं लेना है लाइफ में, या जिनको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसे बनाना हो, उनके लिए भी बैंक के फंड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि सर अच्छे बैंक के फंड्स आप SBI के बारे में बताते रहते हो, SBI के अलावा हम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां हमारे पैसे मैक्सिमम सिक्योर हो, रिस्क कम हो, तो ऐसे फंड के बारे में जरूर बताओ। तो सबका स्वागत है आज के वीडियो में। देखो आज की वीडियो है हमारा HDFC बैंक के बारे में। रिसेंट एक आर्टिकल में कहा गया है कि SBI, HDFC और ICICI प्रूडेंशियल बैंक है ना, ये देश के सबसे सिक्योर बैंक माने गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप केवल 2000 के SIP शुरू करते हो, देखो यार मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5000 नहीं बोलूंगा, 10000 नहीं बोलूंगा, एक लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल शुरुआत जो करना चाहता है, बोले सर 2000 शुरू करना है। अब अगर रिटर्न की बात करोगे 19% इसने दिया है लास्ट 12 ईयर्स में। काफी लोग बोलेंगे जो नॉलेजफुल विद्वान लोग हैं, बोलेंगे कि सर कैसा मजाक करते हो यार, 19% तो मिल ही नहीं सकता। अच्छा, इसके लिए मुझे प्रूफ दिखाने की आदत सी हो गई है, तो मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अगर केवल 2000 आप जमा करते हो पर मंथ, तो कुछ समय बाद आप लगभग 1,41,00,000 बना सकते हो। सपना नहीं दिखा रहा हूं, अभी म्यूचुअल फंड में काफी लोग के वैल्यूज पॉजिटिव में होगी। जिनकी पॉजिटिव में है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ, क्योंकि मुझे मालूम है मार्केट काफी तेजी से अभी हाई है, चल रहा है मार्केट का भी, और यही समय है। आज आपने शुरुआत हो सकता है साल दो साल पहले की होगी, तो आज सोचो आज आपकी वैल्यू पॉजिटिव में है, अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे तो वैल्यू कितनी अच्छी जाएगी सोच सको। चलो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो यार ये कोई सपना नहीं होता, अगर हम कंटिन्यूस कोशिश करते हैं तो हम वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो उस फंड के बारे में देखेंगे कि भाई HDFC कैसा कौन सा फंड है जहां हम इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं और बिल्कुल सिक्योर है, ज्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते रहते हो ना कि सर रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में, आप जो घर घर SIP का मिशन आप लेके चले हो, रिस्क नहीं चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूं, आज की वीडियो में रिस्क वाला ही फंड नहीं है। चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। इस फंड ने 19.454% रिटर्न दिया है पिछले 10-12 सालों में, केवल यही फंड नहीं दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि और भी बहुत सारे फंड हैं जिसने 10-12 सालों में अच्छे रिटर्न दिए हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। फंड साइज 36,000 करोड़ का फंड साइज है और होल्डिंग बहुत अच्छी है। देखो होल्डिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, जो लोग शेयर्स की बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर काफी अच्छा है, चाहो तो आप ले सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अपोलो टायर्स हो गया, इंडियन बैंक हो गया। यहां पास आप जो पैसे आप जब म्यूचुअल फंड में डालते हो ना, तो ये पैसे इन्वेस्ट होते हैं शेयर मार्केट में, करेक्ट। तो इसीलिए ये हमेशा पूछना चाहिए। काफी लोग पूछते हैं कि सर मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं, कैसे पता करें, होल्डिंग से पता करोगे आप, होल्डिंग इंपॉर्टेंट है। अब यहां एक्सपेंस रेशियो 0.94% का एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा हमारा म्यूचुअल फंड होता है। अगर आप बैंक से करवाते हो, एजेंट से करवाते हो, एडवाइजर से करवाते हो, कभी पूछना कि सर मेरा एक्सपेंस रेशियो कितना है, 100% उनका सर नीचे हो जाएगा, बोलेंगे नहीं यार एक्सपेंस रेशियो यहां ज्यादा है। तो एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम से कम होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है। फंड मैनेजमेंट 2013 से कर रहे हैं चिराग साहब, इसके पहले कर रहे थे आनंद जी कर रहे थे, लगभग 12-13 साल का फंड हो चुका है, तो ये फंड बहुत अच्छा है। अब इस फंड के बारे में जो आपकी बात बताना चाहूंगा, ये केवल 2000 की बात करूंगा मैं, केवल 2000 पर मंथ, आई थिंक हम सब कर सकते हैं यार। महीने जो दिन के 30 रुपए होते हैं, दिन के 60 रुपए तो बचाना है केवल यार। आपकी सैलरी अगर 10,000 भी है,
कोशिश करो आप केवल दिन का 60 रुपए भी बचाओगे ना, तो देखो आने वाले समय में हो सकता है कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची की शादी, बच्चे की शादी, बच्चे के एजुकेशन, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि हमें पता है बहुत महंगी हो चुकी है अभी एजुकेशन सिस्टम। अब देखो यहां पास मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर शुरुआत करते हो, SIP कैलकुलेटर में जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दे रहा हूं ताकि आप लोग भी देख सको, 2000 पर मंथ की बात करूंगा मैं, केवल 2000 पर मंथ की। अगर 2000 पर मंथ करते हो, बहुत सारे फंड, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से फंड ने दिया है रिटर्न 19% नहीं, ज्यादा भी दिया है पिछले 10-12 सालों में। मैं तो अगर 19% ले रहा हूं, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% लूंगा फॉर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स। आप केवल 2000 प्रति महीने का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट एज ए SIP कर रहे हो, SIP आप कर रहे हो, 2000 हर महीने जैसी सैलरी आपकी आती है आप बोल देते हो कि ठीक है यार कट जाए अकाउंट से। ठीक है, जिसको नहीं पता है ना कि कैसे SIP की जाती है, मैं लाइव बना दूंगा वीडियो, अभी चेक कर लेना। लेकिन 2000 आप शुरुआत करते हो, आप 4,80,000 जमा कर रहे हो, अगर आपकी एज आज 20-25 साल है, 30 साल है आने वाले 20 इयर्स के लिए, तो आप केवल सिंपल छोटा सा अमाउंट 2000 प्रति मंथ जमा करते हो, आपकी वैल्यू लगभग बन जाती है, 4,80,000 आप जमा कर रहे हो, आपकी वैल्यू लगभग 54 लाख वैल्यू बन रही है। अब देखते हो, अब मैं क्या बोलता हूं, लोग बोलते हैं कि सर कितना दिन तक रखना चाहिए, यार जितना दिन हो सके ना, जब तक आपका जो आपने टारगेट लिया है वो टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं होता आपको होल्ड रखना चाहिए अमाउंट। अब यार अगर बोलोगे सर एक साल और रुक जाता तो क्या होता, एक साल और रुक जाते तो यही 54 लाख की वैल्यू लगभग 65 लाख बन सकती थी। यही पावर होता है कंपाउंडिंग का, क्योंकि आपके पैसे जितना ज्यादा रहेंगे ना म्यूचुअल फंड्स में उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे, उतने ज्यादा पैसे बढ़ेंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो मैंने 4 साल तक पैसे को ग्रो करने दिया तो क्या कंडीशन हो सकती है। अगर आपने 4 साल तक पैसे को और ग्रो करने दिया तो आप 24 साल तक अगर पैसे को रहने देते हो, मुझे मालूम है, बोलोगे सर 1 करोड़ की वैल्यू उस समय उतनी नहीं होगी, तो एक बात बताओ क्या आप 2000 प्रति महीने इन्वेस्ट करोगे उस समय तक? नहीं ना, आप 3000 कर लोगे, 4000 कर लोगे, 5000 कर सकोगे, हो सकता है आने वाले समय आप 10000 भी कर सकते हो प्रति महीने इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स होना इंपॉर्टेंट है, जिस फंड हमारा बैंकिंग सेक्टर का फंड है और हमारा मैक्सिमम जो कार्यभार है, मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर्स, हमारा जो इंडिया का देश का मैक्सिमम इकोनॉमिक स्टेटस जिस पे डिपेंडेंट है हमारे बैंक ही हैं, तो डिपेंड करता है कि HDFC बैंक में जो फंड है ये हमारा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूं। ठीक है, अब यहां मैं एक साल और इन्वेस्टमेंट यहां करता हूं तो देखो क्या वैल्यू बन सकती है, आपका वैल्यू आप देख सकते हो कि अगर 25 तक करोगे तो यही वैल्यू लगभग 6 लाख आप जमा कर रहे हो, आपकी वैल्यू लगभग 1,41,61,215 बन रही है। अब मैं चलता हूं पुराने क्वेश्चन पे, बोलोगे सर, कुछ लोग बोलेंगे सर हो नहीं सकता कि इतना रिटर्न तो पॉसिबल नहीं है, आप केवल HDFC का एग्जांपल दे रहे हो, बहुत सारे फंड ने तो इतना रिटर्न नहीं दिया। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं कुछ नहीं SBI की एग्जांपल हमेशा देता रहता हूं, किस तरह उन्होंने SBI ने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी है, अभी तक इसने 25% रिटर्न दिया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये गूगल का डेटा बोल रहा है। अब बोलोगे सर कब से ये तो दिखाओ, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो यार 2013 से कंसिस्ट, आज आपने अगर 2013 में पैसे डाल दिए होते तो 25% रिटर्न के हिसाब से पैसे आपको मिलते, यार सोचो। तो ये ताकत होती है म्यूचुअल फंड की, जो हर वीडियो बताता रहता हूं, घर घर SIP का सपना जो लेके मैं स्टार्ट किया हूं चैनल, मैं कोशिश करता हूं कि आप कितने भी, जो भी स्थिति आपकी हो घर की, शुरुआत इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आपकी स्थिति भी सुधरे, ना कि वही बनी रहे। हमें पता है बैंक FDRD हमें कितना देते हैं, जो महंगाई का दर भी वो भी नहीं दे पाते, महंगाई का दर 6% है तो हमें उतना ही मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट ऐसे करो कि भाई दिखना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखो इन्वेस्टमेंट में, कंटिन्यू करो, ऐसा नहीं कि रोक दो SIP और बीच में पैसा बढ़ाते रहो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल पे नया आए हो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी घर घर SIP का चैनल जो बना है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं डेली आता हूं लाइव वीडियो में, आता छोटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मेंशन है, आप उसमें देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय।